रोड स्थित एसके वाटिका में डॉक्टर गोपाल शास्त्री के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म मेरठ के तत्वावधान में रामचरित मानस की त्रिसूत्रीय साधना तप सेवा सुमिरन पर आधारित 7 दिवसीय स्वास्थ्य एवं आध्यात्म विकास शिविर का समापन सोमवार को सम्पन्न हुआ। इस मौके पर वैद्य हंसराज चौधरी, समाज सेवी प्रकाश छाबड़ा, नव नरेश झंवर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कारण मूल में एक छोटी सी भूल हो गई कि सबने रोगों से लड़ने का तो प्रयास किया, हम किसी ने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि रोग कहते किसे। आयुर्वेद में आचार्य से पूछा गया रोग कहते किसे हैं, वो कहते हैं कि समदोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न मनात्मेंद्रिय स्वस्थ इति विधीयते। आयुर्वेद स्वस्थ की परिभाषा देता है, रोग की परिभाषा नहीं देता। बोले जो स्वस्थ नहीं है वह अस्वस्थ है। अगर आदमी को एक दिन का उपवास करा दिया जाए तो 60% बीमारियां तो एक दिन के उपवास से चली जाएंगी। आयुर्वेद शास्त्र तो कहता है कि 3 से 5 दिन का उपवास किसी भी एक्यूट डिजीज़ को ख़त्म करने में समर्थ है। तो थोड़ा सा संयम, मैं नहीं कहता हूँ कि आदमी खाना पानी छोड़ दे, पर जहाँ तक हो अनाज की मात्रा को कम से कम करे, सुबह से न खाने की आदत डाले, ये तप है। दिन में थोड़ा जैसा प्रकृति दे वैसा और रात को जैसा पत्नी दे वैसा।